फ्रेंड्स, एडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं सोनाली जैन। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें दिया था आपको गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन रो ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर माइनस लैम्डा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का होली स्क्वायर। इसे हमने आधा कर दिया था, ए पार्ट किया था जिसमें कैपिटल ए नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाली थी हमने अंडर रूट लैम्डा बाई पाई, और हमें सेकेंड पार्ट करना था, बी पार्ट ग्राफ प्लॉट करना था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने ए पार्ट सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो हम बी पार्ट करेंगे। अब बी पार्ट को करने के लिए हम एक्स के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए रो ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो जब है तो रो ऑफ एक्स कितना होगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये कितना हो जाएगा ए टू द पावर माइनस लैम्डा मॉड है, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए टू द पावर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर। ठीक है, और जब हम x इक्वल टू टू रखेंगे, आप वन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके अकॉर्डिंग है कि आपको x की कौन सी वैल्यू पर रो ऑफ x की वैल्यू निकालना है। मैंने x इक्वल टू टू लिया है, तो जब हम x इक्वल टू टू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो ऑफ x इक्वल टू ए टू द पावर माइनस लैम्डा टू माइनस, और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि ए भी क्या है आपका टू, क्योंकि ए भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ पे ए क्या है आपका टू, तो ये क्या हो जाएगा, रो ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर माइनस लैम्डा, और ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये होगा रो ऑफ एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ई टू द पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, इक्वल टू वन इक्वल टू ए। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ए की वैल्यू पुट करते थे, जब हमने ए इक्वल टू टू माना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो, सपोज ए इक्वल टू टू, ये हमारा कंसिडरेशन है, आपको जो मानना है वो ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ए इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ए टू द पावर माइनस लैम्डा फोर, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर लैम्डा। ठीक है, अब ऐसे हम एक्स इक्वल टू जब फोर लेंगे तो एक्स इक्वल टू फोर पर रो ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू फोर, तो फोर माइनस टू माइनस लैम्डा फोर माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर माइनस लैम्डा मॉड ऑफ टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर माइनस माइनस फोर लैम्डा। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे हम कहीं ले लेते हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू फोर। तो x इक्वल टू ज़ीरो पर आपका क्या आ रहा है, ए टू द पावर माइनस फोर लैम्डा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, इस रो ऑफ x को एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। और x इक्वल टू टू पर क्या आ रहा है आपका, x इक्वल टू टू पर ये आ रहा है आपका a, यानी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और x इक्वल टू फोर पर क्या आ रहा है आपका, अगेन a टू द पावर माइनस फोर लैम्डा, यानी कि ये क्या हो रहा है, a टू द पावर माइनस फोर लैम्डा, देन x इक्वल टू ज़ीरो पर आपका a आ रहा है, देन अगेन a ए टू द पावर माइनस फोर लैम्डा, ये बन रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, a होगी, देन अगेन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, अगेन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो x इक्वल टू ज़ीरो पर सपोज मान लें यहाँ पर कहीं a है, तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, यहाँ पर a नहीं है, x इक्वल टू टू पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी, a यहाँ पर, माना कि यहाँ पर a है और ये दोनों साइड से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, ये ग्राफ जो बनेगा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन जो अब हम करेंगे वो नेट 2011, 14, 15, 16, 17 कंटिन्यूसली क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द स्टेट वेक्टर ऑफ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर
ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, कोई सिस्टम जो आपका कैसा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी फ्रिक्वेंसी है ओमेगा, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो आपको स्टेट दे रखी है साइन ऑफ जीरो इक्वल टू वन अपॉन अंडर टू जीरो प्लस टू ग्राउंड स्टेट एंड फोर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वेयर जीरो एंड टू आर द नॉर्मलाइज ग्राउंड एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. द मिनिमम टाइम टी आफ्टर विच द स्टेट वैक्टर साइन ऑफ टी इज ऑर्थोगोनल टू साइन ऑफ जीरो. इसमें आपको क्या करना है, साइन आपको दे रखा है ग्राउंड स्टेट के लिए, सॉरी साइन आपको दे रखा है टी इक्वल टू जीरो टाइम के लिए, यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट है और यहाँ पर ये वाली स्टेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए दे रखी है, और आपको साइन ऑफ टी निकालना होगा और उसके बाद इन दोनों को आपको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है. तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, जो टाइम आपको पूछा है मिनिमम टाइम ये आ जाएगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. पहले हम लिख लेते हैं आपको साइन ऑफ जीरो क्या दे रखा है. पहले हम देख लेते हैं सिस्टम आपका कैसा है. सिस्टम आपका क्या दिया है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर हम एनर्जी की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी होती है ई एन इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू, एन प्लस वन बाय टू इन टू एच कट ओमेगा. यहाँ पर एन के आपके इंटीजर वैल्यू जीरो वन टू एंड सो ऑन, जीरो फॉर ग्राउंड स्टेट, वन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, टू फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. तो ये सिस्टम की एनर्जी होगी. इसके बाद हम स्टेट लिखते हैं साइन ऑफ जीरो. साइन ऑफ जीरो यानी कि टी इक्वल टू जीरो टाइम पर एट टी इक्वल टू जीरो टाइम पर साइन ऑफ जीरो दे रखा है आपको वन बाय अंडर रूट टू जीरो प्लस टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, और अब ये हमें क्या दे रखा है, टी इक्वल टू जीरो टाइम पर. लेकिन अगर आपको टाइम डिपेंडेंट बताना है, ये क्या टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, टी इक्वल टू जीरो यहाँ पे कोई टी का फंक्शन नहीं है. अब आपको टाइम इंडिपेंडेंट बताना है, सॉरी आपको टाइम डिपेंडेंट बताना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट. इस क्वांटिटी से क्या करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई करना है दोनों स्टेट्स में. तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो नया वेव फंक्शन आएगा वो साइन ऑफ टी आएगा. ठीक है, तो एट टी इक्वल टू टी टाइम पर साइन ऑफ टी इक्वल टू होगा वन बाय अंडर रूट टू e टू द पावर माइनस आई e नॉट फॉर ग्राउंड स्टेट एच कट, सॉरी टी बाय एच कट, टी बाय एच कट जीरो प्लस e टू द पावर माइनस आई e टू फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टी बाय एच कट, और ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसको बताना है कि ये इस पर नॉर्मलाइज्ड है. अब यहाँ पे आपको अगर पहले से थोड़ी बहुत क्वांटम पता है तो आपको पता होगा कि ये नोटेशन जो मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ ये क्या है, ये जो आपका ब्रैकेट दिख रहा है ज़ीरो या फिर टू. ठीक है, तो ये वाला जो नोटेशन है इसको हम बोलते हैं केट नोटेशन. ठीक है, और ये वाला जो नोटेशन है इसे हम बोलते हैं बी आर ए नोटेशन. ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं स्टेट को बताने के लिए. जैसे ग्राउंड स्टेट है तो इसे हम ऐसे भी शो करते हैं साई की टर्म्स में, तो इसे हम इस टाइप से भी यूज़ करते हैं. अगर ग्राउंड स्टेट बताना है तो साई जी एस, और इस टाइप से भी केट नोटेशन में भी बता सकते हैं. अब इसमें यह है कि अगर आपको केट नोटेशन में दिया है कोई फंक्शन, कोई स्टेट आपको केट नोटेशन में दी और उसको आपको बी आर ए नोटेशन में चेंज करना है, तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म है तो उसे हम रो कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे. और अगर आपका कोई आयोटा वाला टर्म है तो उसको हम फिर आई की जगह पर माइनस आई पुट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया एट टी इक्वल टू टी टाइम पर साइन ऑफ टी हमारा क्या हो गया, इस स्टेप से हम लिख सकते हैं. अब हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ जीरो साइन ऑफ टी इक्वल टू जीरो.
साइन ऑफ टी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नोटेशन चेंज दिख रहा है, ये केट नोटेशन इसको बोलते हैं। अगर इस टाइप का नोटेशन है तो ये क्या होता है, केट नोटेशन, जिसको हम स्टेट बताने के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक कि आपके पास ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट में हम इस टाइप से बताएंगे, और अगर साइन के टर्म्स में बताना है तो यही क्या होगा, साइन जी एस। ठीक है, तो ये है कुछ नहीं, ये साइन जी एस ही है जिसको हम इस टाइप से केट नोटेशन में बताते हैं। अगर बी आर ए नोटेशन है तो बी आर ए नोटेशन क्या होता है, इसका अपोजिट, इस टाइप से ये बी आर ए नोटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट किस में है, बी आर ए नोटेशन, बी आर ए एंड दैट इज केट ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर आपको केट से बी आर ए में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ये वाला क्या है, केट नोटेशन है, इसको हम बी आर ए में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंट वैल्यूज है प्लस ये स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। अगर इसके साथ कोई ऐसी टर्म होती इन टू में आई वाली टर्म होती तो उसको फिर आई की जगह में माइनस आई पुट करना पड़ता, और यही आपके पास अगर मैट्रिक्स फॉर्म में होता, अगर मान लो रो दिया है तो फिर उसे हमको कॉलम में चेंज करना पड़ता, या कॉलम में दिया है तो रो में चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये केट नोटेशन में इसे बी आर ए नोटेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा। तो ये किस टाइप से होगा, वन बाय अंडर रूट टू बी आर ए नोटेशन प्लस अब साई ऑफ टी केट नोटेशन में, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ये हो जाएगा वन बाय अंडर रूट टू, मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं अंदर, ई टू द पावर माइनस आई ई नॉट टी बाय एच कट ग्राउंड स्टेट प्लस वन बाय अंडर रूट टू ई टू द पावर माइनस आई E2 T by H cut और ये second excited state equal to zero। अब इसका इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय अंडर रूट टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय अंडर रूट टू, ये क्या हो जाएगा, वन बाय टू ई टू द पावर माइनस आई ई नॉट टी बाय एच कट और ये हो जाएगा ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस। अब यहाँ पे आप देखेंगे ज़ीरो स्टेट एंड ज़ीरो सेम स्टेट है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, वन, या आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ये साई वन का साई वन के साथ, सॉरी साई ज़ीरो का साई ज़ीरो, ग्राउंड स्टेट का ग्राउंड स्टेट के साथ क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी से वन होगा। अब इसी का अगर मैं इसमें करती हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पर ज़ीरो और ये वाली स्टेट क्या हो जाएगी, ज़ीरो और ये टू, तो ये क्या हो गई, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे इसका इसमें करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, जो मेन स्टेट है ज़ीरो से ज़ीरो और टू से टू, इसी के लिए हम पुट कर देंगे, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी से वन हो जाएगा, दैट्स वाई वन बाय टू ई टू द पावर, इसका इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई ई टू टी बाय एच कट और ये होगा टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू ज़ीरो और नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी से वन, नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी से भी वन, तो ये आपके पास क्या रहेगा, वन बाय टू ई टू द पावर माइनस ई नॉट टी बाय एच कट प्लस वन बाय टू ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे हम इधर ले जाएंगे, वन बाय टू कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा ई आई ई नॉट टी बाय एच कट इक्वल टू माइनस ई माइनस आई ई टू टी बाय एच कट और इसको इधर ले आएंगे हम, ई टू द पावर आई ई नॉट टी बाय एच कट डिवाइड बाय ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कट इक्वल टू माइनस वन। अब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये होगा e टू द पावर माइनस आई ई नॉट टी बाय एच कट इंटू ई टू द पावर आई ई टू टी बाय एच कट इक्वल टू माइनस वन। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर e टू को आगे लिख दो और आई आई टी बाय एच कट कॉमन आ जाएगा, आई टी बाय एच
कट और अंदर बचेगा ई टू माइनस ई वन इक्वल टू माइनस वन। अब कॉम्प्लेक्स में आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ई टू द पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा होता है आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अगर हम इसका रियल पार्ट कंसिडर करें आर ई रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई थीटा तो ये क्या होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे रियल पार्ट लिखेंगे, तो रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई टी बाय एच कट ई टू माइनस ई वन, सॉरी ई वन नहीं ई नॉट ग्राउंड स्टेट इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ऊपर लिख देते हैं तो यहाँ पे रियल पार्ट हो जाएगा कॉस कॉस ऑफ ई टू माइनस ई नॉट इंटू टी बाय एच कट इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे माइनस वन कब होगा कॉस में, जब कॉस ऑफ पाई होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस ऑफ पाई। तो अब यहाँ से ही हो जाएगा e2 माइनस e नॉट t बाय एच कट इक्वल टू पाई, और यहाँ से t की वैल्यू चाहिए हमें, मिनिमम टाइम चाहिए t इक्वल टू पाई एच कट बाय e2 माइनस e नॉट। अब कई बार क्वेश्चन में यहाँ भी इतना भी पूछ लेते हैं t इक्वल टू पाई एच कट ई टू माइनस ई नॉट, या फिर अगर आपको सिस्टम दे रखा है तो फिर ई टू और ई जीरो की आपको वैल्यूज पुट करना पड़ेगी। तो हमारे पास सिस्टम कैसा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फिर हम ई टू और ई नॉट की वैल्यू रख देंगे। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ई नॉट क्या होगा आपका एन इक्वल टू जीरो, तो एन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ एच कट ओमेगा, तो ये हो जाएगा हाफ एच कट ओमेगा। और E2 यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस हाफ दैट इज़ 5 बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 बाय 2 एच कट ओमेगा। और आपको निकालना है E2 माइनस E0, तो ये क्या हो जाएगा E2 माइनस E0 इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 5 बाय 2 में से हाफ गई 2 एच कट ओमेगा, यस 2 एच कट ओमेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास टी क्या आ गया, आपके पास टी इक्वल टू मिनिमम टाइम पाई एच कट बाय 2 एच कट ओमेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो टी आएगा आपके पास पाई बाय 2 ओमेगा, ये आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है 2017 में आया है नेट सी एस आई आर नेट 2017 का क्वेश्चन है ये, और ये कई बार पूछा है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, साई ऑफ ज़ीरो है तो साई ऑफ कुछ और दे सकते हैं, आपको यहाँ पर स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपका साई ऑफ टी है वो आपको कभी निकालना भी पड़ सकता है या दे भी सकते हैं, तो कंसेप्ट सेम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मलाइज करना है साई ऑफ एक्स, आपको ए पार्ट में दे रखा है साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट आपको दे रखी है एक्स माइनस ए से प्लस ए, यानी वेव फंक्शन आपका कैसा होगा सिमेट्रिक, लिमिट क्या दे रखी है आपको माइनस ए से प्लस ए, यानी वेव फंक्शन आपका कैसा होगा सिमेट्रिक वेव फंक्शन है अदरवाइज ज़ीरो। तो इसे हमने नॉर्मलाइज करना है तो पहले हम ये देखते हैं, देन सेकंड ये है साइन ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस लैम्डा मोड ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। तो पहले हम इसके लिए देखते हैं सॉल्यूशन, साइन ऑफ एक्स आपको दिया है ए, इसको नहीं लिखते डायरेक्ट हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्टार साइन लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट क्या है माइनस ए से प्लस ए, अदरवाइज क्या है ज़ीरो,
तो यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कोई भी आई की टर्म नहीं है, तो कॉन्जुगेट यही रहेगा ए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर साइन लिखेंगे तो साइन भी यही होगा ए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए है तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, टू ज़ीरो से ए हो जाएगी लिमिट, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन। अब इसे ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ज़ीरो से ए ओपन करेंगे तो ये होगा ए टू द पावर फोर प्लस एक्स टू द पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन। अगेन इसको अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए टू द पावर फोर इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू ए डी एक्स प्लस ज़ीरो टू ए एक्स टू द पावर फोर डी एक्स माइनस ज़ीरो टू ए टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर ए टू द पावर फोर, यहाँ पे क्या है वन है तो वन का कितना होगा एक्स, और लिमिट कितनी है ज़ीरो से ए, प्लस यहाँ पे क्या है एक्स टू द पावर फोर तो ये कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाय फाइव, लिमिट क्या है ज़ीरो से ए माइनस टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, लिमिट है ज़ीरो से ए इक्वल टू वन इक्वल टू वन। अब यहाँ क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर, यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो ए टू द पावर फोर पहले से है, लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए, यानी ए टू द पावर फाइव हो जाएगा, ये होगा ए टू द पावर फाइव प्लस यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ए टू द पावर फाइव बाय फाइव, ए टू द पावर फाइव बाय फाइव माइनस यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा टू ए स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब बाय थ्री, बाकी ज़ीरो का तो ज़ीरो ही रहेगा तो ये क्या हो जाएगा टू ए टू द पावर फाइव बाय थ्री, तो ये होगा माइनस टू ए टू द पावर फाइव बाय थ्री इक्वल टू वन। तो ये क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर ए टू द पावर फाइव कॉमन, ये हो जाएगा वन प्लस वन बाय फाइव माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू वन, ये होगा टू ए स्क्वायर ए टू द पावर फाइव, ये हो जाएगा फिफ्टीन, और यहाँ पे होगा फिफ्टीन प्लस थ्री माइनस फाइव इक्वल टू वन, तो ये कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर ए टू द पावर फाइव, फिफ्टीन थ्री एटीन, एटीन माइनस फाइव यहाँ पर टू है, अरे यार फिर से करो, तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर ए टू द पावर फाइव कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर फाइव वन प्लस वन बाय फाइव माइनस टू बाय थ्री इक्वल टू वन, तो ये होगा टू ए स्क्वायर ए टू द पावर फाइव, ये होगा फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री माइनस टेन इक्वल टू वन, टू ए स्क्वायर ए टू द पावर फाइव, ये हो जाएगा एटीन माइनस टेन एट बाय फिफ्टीन इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सिक्सटीन ए टू द पावर फाइव डिवाइड बाय फिफ्टीन इक्वल टू वन, तो ए हो जाएगा आपका फिफ्टीन बाय सिक्सटीन ए टू द पावर फाइव अंडर रूट। तो ये आ गया आपका ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो साइन क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स वेव फंक्शन इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट फिफ्टीन बाय सिक्सटीन ए टू द पावर फाइव
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब लिमिट आपकी माइनस ए से प्लस ए है, ठीक है, अदरवाइज ज़ीरो। तो ये वेव फंक्शन कैसा बनेगा, सपोज इस टाइप का कुछ है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ए एंड यहाँ पर है एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर, यहाँ पर जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर साइन ऑफ एक्स कितना होगा आपका, अंडर रूट 15 बाय 16 ए टू द पावर 5 ए स्क्वायर, यही होगा। तो ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ कहीं पर है और अगर हम ए पुट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो, माइनस ए पुट करते हैं तब भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो, तो दोनों ही कंडीशन में साइन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट और ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है, तो आपका वेव फंक्शन कैसा बनेगा, इस टाइप से सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएँ।